मैंगो ब्रेड रसमलाई को बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए एक सॉस पैन में डालिए 2.5 कप दूध, 1/4 कप शुगर, आधा चम्मच इलायची पाउडर, थोड़े से केसर के धागे और 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस मिक्सचर को 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए कुक कर लेना है। अब इसे गैस पर से उतार के अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप मैंगो पल्प और अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिक्सचर को रख देते हैं साइड में। इधर एक बोल में ऐड करेंगे 1/4 कप दूध की मलाई, 1/2 कप मिल्क पाउडर, 3 बड़े चम्मच पाउडर शुगर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ आम। अच्छे से मिलाएंगे और साइड में रख लेंगे। आगे के प्रोसेस के लिए लेंगे 12 ब्रेड स्लाइसेस। अब एक स्टील की कटोरी की हेल्प से हर एक ब्रेड स्लाइस को गोल शेप में काट लेंगे। अब इस मैंगो मलाई मिक्सचर में से 1 टेबलस्पून मिक्सचर लेके ब्रेड पे स्प्रेड कर लेंगे और दूसरी ब्रेड से कवर करके हल्का सा प्रेस कर देंगे। ऐसे ही बाकी के 5 सैंडविचेस बना के तैयार कर लेंगे और इनको रखेंगे एक प्लेट में। ऊपर से डालेंगे मैंगो कस्टर्ड पाउडर और दूध वाला मिक्सचर। चारों तरफ से इसको फैला लेंगे ताकि ब्रेड अच्छे से इसमें कवर हो जाए। ऊपर से गार्निश करेंगे बारीक कटे हुए बादाम और मैंगो चंक्स के साथ। इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में। 2 से 3 घंटे बाद फ्रिज से निकाल के ठंडा ठंडा सर्व कर लेंगे। आम के इस सीजन में ये मैंगो ब्रेड रसमलाई बनाना बिल्कुल मिस मत करिए। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।